इससे ज्यादा बड़ा पीस में लेना भी नहीं है। ये मैंने गोली की जगह, आप चाहे तो गोली भी बना सकते हैं, और चोइया छोटे छोटे पीस, तो मैंने छोटे पीसों में ही बनाया है इसे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। गर्मी अब जाने वाली हो रही है और थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, तो ऐसे मौसम में खांसी जुकाम वगैरह बहुत हो जाता है, तो उसके लिए आज मैं रेसिपी बना रही हूँ। फ्रेंड, इस रेसिपी के लिए कुछ फ्लेवरफुल मसाले लिए हैं मैंने, तो उसके लिए ये मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन, और ये 1 चम्मच मैंने ली है सौंठ पिसी हुई, जो अदरक पिसा हुआ होता है उसे सौंठ भी बोलते हैं, और ये 8 से 10 लौंग ली हैं, और ये 1 चम्मच जीरा है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और ये काली मिर्च है, 1/2 चम्मच काली मिर्च है बिना पिसी हुई, और ये 4 से 5 बड़ी इलायची हैं, और ये छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, और ये 1 चुटकी ये जायफल है, देखिए ये मैंने ऐसे ही कूट लिया था बहुत छोटा सा टुकड़ा, तो इस तरह से ये मसाले कंप्लीट हो गए हैं। मैंने गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने रख दी है। मैं इन मसालों को जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं भून रही हूँ, हल्का सा, भूनना ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही गर्म करना है। ये मैंने सबसे पहले डाली है काली मिर्च, मैं डाल रही हूँ अजवाइन, ये बड़ी इलायची और दालचीनी, और ये है लौंग, 8-10 लौंग है ये, इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, एकदम कलर नहीं बदलना, बस हल्का सा ही गर्म हो जाए जिससे कि अच्छे से फूट जाए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर तेज धूप निकली हुई है तो आप थोड़ी देर धूप में भी रख दें, ऐसा भी कर सकते हैं, फिर आपको गैस पर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत तिहाई सी चम्मच मुझे मेथी डालनी है, वो मैंने मेथी भी डाल दी है, और अब मैंने गैस बंद कर दी है, सभी चीजें ठीक से अच्छे से गर्म हो गई हैं। फ्रेंड्स, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए, हमें इसे दरदरा ही रखना है। फ्रेंड्स, मसाले को मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा ही कूटा है, बारीक नहीं, और ये मैंने इसमें डाल रही हूँ मैं जायफल, मैं इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ ये सौंठ। फ्रेंड्स, ये सभी चीज जो मैंने डाली है, दिखाई है आपको, सभी गर्मी तासीर की होती है, तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कुटी हुई, देखिए ये कुटी हुई सौंफ है, ये इसलिए डाली जाती है जिससे कि मसाला बैलेंस रहे, बहुत गर्म होता है तो थोड़ा सौंफ की तासीर ठंडी होती है, और इसलिए मैंने ये सब मसाले मिला दिए। हाँ, मैंने अच्छे से मिला देना है, और अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आज की रेसिपी के लिए ये 150 ग्राम गुड़। इस गुड़ को मैं चाकू से या किसी भी चीज से छोटा छोटा काट लेंगी, देखिए इस तरह से हम गुड़ को कर लेंगे, या आप किसी भारी चीज से प्रेशर से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे पिघलाना है तो आराम से ये पिघल जाएगा। फ्रेंड्स, मसाले बिल्कुल तैयार हुए हैं, और ये मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है जिसे मैंने चाकू से छोटा छोटा कट कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दी है और बहुत थोड़ा सा ही पानी डाल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा, जिससे कि ये लग ना जाए गुड़ बिल्कुल जरा। अब मैं डालूंगा ये तैयार किया हुआ गुड़। हाँ, एक फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे मैं गुड़ की बना रही हूँ ये रेसिपी, तो आप गुड़ की भी बना सकते हैं, और गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी, खांड, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ की बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी।
तो इसीलिए मैंने गुड़ इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, आधे चम्मच से भी कम इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ हल्दी। अच्छा फ्रेंड, इसे ज्यादा पकाना नहीं है हमें, बस अब इसमें आप देख सकते हैं ये झाग से आ गया है ना, और जो गुड़ है वो एकदम पिघल गया है, झाग आ गया है। बिल्कुल इसी स्टेज पर हमें जो हमने मसाले तैयार करे थे ये कुटे हुए, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये हमें डाल देने हैं। मैंने 6 से 7 बादाम लिए, इन्हें मैं कूट रही हूँ इसी रेसिपी में डालने के लिए। ये बादाम आपको दिखाती हूँ, दर्द रही हैं ये भी। ये जो मैंने अभी बादाम कूटे हैं इन्हें मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स ये 1 चम्मच पिसा हुआ नारियल है, तो मैं ये डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि सभी चीज बहुत तीखी तीखी पड़ी है। देखिए अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, बस बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, नहीं तो क्या होता है कि गला सा सूखा सूखा सा हो जाता है। अब इससे क्या है कि ये बहुत अच्छा सा रहेगा जो हम रेसिपी बना रहे हैं, गले के लिए, जुकाम के लिए, खराश के लिए, जो इस बदलते मौसम में प्रॉब्लम्स होती हैं। बस इसी स्टेज पर मैंने इसे घी लगी हुई थाली में डाल दिया है, पहले से घी लगा लिया था, बस 10 मिनट बाद हम इसे कट कर लेंगे। तैयार हो गई है एकदम, बहुत अच्छे से तैयार हुई है ये रेसिपी, ठंड के लिए बहुत ही अच्छी है, गले की खराश के लिए, बदलते मौसम के लिए बनाई जाती है घरों में, ये बिल्कुल शुद्ध देसी चीज है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने गोला भी बुरक दिया है, जिससे कि हम बड़े लोग तो खा लेते हैं, अगर हमें बच्चों को देनी है या बच्चों को खिलानी है तो वो उन्हें टेस्टी चीज ही पसंद होती है, तो मैंने इसलिए ये इस पर ये बाहरी कटा हुआ गोला डाल दिया है। बिल्कुल तैयार हो गया ये, अब हम इसे कट कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पीस बनाने हैं, एक बार में हमको छोटा सा पीस ही लेना है, तो इसलिए आप देख रहे हैं मैं पीस भी छोटा ही ले रही हूँ, क्योंकि हमें इतना ही लेना है एक बार में। सर्दियों की एक खास रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, इससे ज्यादा बड़ा पीस लेना भी नहीं है, और ये मैंने गोली की जगह, आप चाहे तो गोली भी बना सकते हैं, और चोइया छोटे छोटे पीस, तो मैंने छोटे पीसों में ही बनाया है इसे, और ये बहुत टेस्टी लगता है, ये जो गुड़ तैयार किया है ये टेस्टी भी बहुत लगता है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो सर्दियों वाली, तो आप जरूर से बनाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी पर, देखिए कितनी बढ़िया रेसिपी है।